आज हम बात करेंगे जूम ऐप के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जूम ऐप चाइनीज है, उसको यूज नहीं करना चाहिए, अनसिक्योर है वगैरह वगैरह। तो चलिए इसी चीज़ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल तो एडवांस एक्सेल की वीडियो प्रोवाइड करता है, फिर जूम क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं पिछले तकरीबन 6 सालों से जूम ऐप को यूज कर रहा हूँ। जी हाँ, जूम ऐप शायद मेरे मुझसे ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि तो मैं दिन के 16 घंटे जूम पे रहता हूँ। जूम ऐप से पहले मैं गो टू मीटिंग ऐप यूज करता था, बट गो टू मीटिंग ऐप में इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता था। साथ में उसमें क्लासेस को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी सिर्फ होस्टर के पास था, अटेंडेंस के पास नहीं था। तो मुझे अपने स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग्स डेली बेसिस पे भेजना होता था, इसलिए हमने जूम ऐप यूज करना शुरू कर दिया ताकि बच्चे अपने सिस्टम से खुद ब खुद रिकॉर्ड कर लें। अब ये चाइना इंडिया जो क्लैश हुआ है, उस क्लैश के तहत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जूम जो है चाइनीज ऐप है, अनसिक्योर है वगैरह वगैरह। तो क्या है इसके लिए आपको, हम एक जो हमारा टीवी चैनल है आर रिपब्लिक आर डॉट भारत आर रिपब्लिक वर्ल्ड डॉट कॉम, उसकी एनालिसिस को बोलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जूम ऐप ओरिजिन। जूम ऐप जो है आपका क्लियरली मेंशन है कि ये इसकी जो एरिक वान जो है सीईओ है, मतलब कि इसकी कंपनी की सीईओ जो है वो चाइनीज है, बट कंपनी कहाँ की है? कंपनी है यूएस की। जी हाँ, यूएस की। यहाँ पे लिखा हुआ है जूम ऐप वाज फाउंडेड इन द ईयर 2012 एंड इट इज हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया, इनक्रप्टेड एंड डेलवेयर एंड पब्लिकली ट्रेड on NASDAQ. The CEO is also mentioned flat to move to the USA in 1970 and gain US citizenship in 2007. तो जो ये यूरी कुआन है, ये चाइनीज मूल के हैं, पर 2007 में उन्होंने US की सिटीजनशिप ले ली और ये पूरी तरह से US है। सो ऐसा कहना ये चाइनीज है गलत होगा, क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में, कंपनी का जो ट्रेड है वो भी यूएस में है, कंपनी कैलिफोर्निया में बनी है, ये सॉफ्टवेयर का जो आविष्कार है मतलब जो कोड हुआ है बना है वो भी कैलिफोर्निया यूएस में बना है। सो ऐसा कहना गलत है कि ये चाइनीज ऐप है, पर हाँ ये हो सकता है कि ये यदि कि वहाँ ये भी चाइनीज नहीं है, चाइनीज मूल के हैं, क्योंकि ये अब यूएस सिटीजनशिप ले चुके हैं तो ये चाइनीज नहीं रहे। दूसरी बात बात करते हैं कि इसकी सिक्योरिटी की। हाँ, बीच में मैं चीज़ को मानता हूँ कि सिक्योरिटी ब्लीच हुई थी, और सिक्योरिटी तो सर नासा की भी ब्लीच होती है, सिक्योरिटी तो आपकी CIA की भी होता है, इंडियन आर्मी का भी होता है। तो जैसे ही सिक्योरिटी में सेंध लगी, यूएस ने अपना नया अपडेट निकाल दिया और सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा कर दिया। तो मैं जूम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं 6 सालों से जूम को यूज कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने 2014 से जूम यूज करना शुरू कर दिया था, तो 6 सालों से जूम यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अब मैंने एमएस टीम को भी हमने किया। देखिए, एमएस टीम भी रिकॉग्नाइज है जूम से, माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम्स है वो भी जूम की तरह ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मीटिंग्स के लिए यूज किया जाता है, उसको मैंने यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये टीम्स भी जो है जूम की तरह सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, हर कोई फर्स्ट टाइम में यूज नहीं कर लेगा जैसे कोई जूम यूज कर लेता। अभी अभी मेरे पास एक कनाडा से एक कॉल आया था और मैंने बोला मैं जूम से क्लास लेता हूँ, तो उन्होंने इस बोला कि नहीं नहीं जूम चाइनीज है, हम जूम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास टीम्स का विकल्प है, जूम नहीं करना चाहते तो टीम्स कर ले, अगर सारे स्टूडेंट्स अगर टीम्स पे आ जाएंगे तो मैं भी टीम्स पे आ जाऊंगा, बट टीम्स जूम की अपेक्षा उतना सिंपल नहीं।
इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एडवांस एक्सेल, एमआईएस, पावर बीआई, टैबलू जैसे सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी क्लासेस लेना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।